खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है। देश के अकेले ऐसे सीएम हैं जिसने विकास के खातिर अपनी ही दुकानों और उस मंदिरों की चार दीवारी पर बुलडोजर चलवा दिया जिसके वो पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के आदेश से गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की 200 से ज़्यादा दुकानें जमींदोज की जा रही हैं। ये सब गोरखपुर में मोदीपुर से जंगल कौड़िया तक बन रहे 17 किलोमीटर लंबे फोर लेन के लिए किया जा रहा है। मंदिर परिसर के करीब 200 और उससे लगी 100 और दुकानें फोर लेन के आड़े आ रही थी और जिस पिछले 4 दिन से इन दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है। मंदिर की दुकानें तोड़ने की इजाज़त खुद मुख्यमंत्री ने दी थी और हालांकि इन दुकानदारों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जगह की व्यवस्था करने के निर्देश मंदिर प्रबंधन को दिए हैं। इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स के लिए GDA ने मानचित्र को अप्रूव भी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से गोरखपुर के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और ये फोर लेन जंगल कौड़िया में ही सुनौली जाने वाली हाईवे से मिल जाएगी। साथ ही शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोरक्ष धाम मठ की 200 से ज्यादा अधिकृत दुकानों को गिरवाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में एक नया उदाहरण तो पेश कर दिया है, लेकिन देखना अब ये होगा कि उनके विधायक, मंत्री, सांसद और अधिकारी उनके इस कदम को कितना अनुसरण कर पाते हैं। कैमरामैन रोशन यादव के साथ राधाकृष्ण त्रिपाठी, जनतन टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की बस पर खूब राजनीति हो रही है, साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी मामले पर हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ राधाकृष्ण त्रिपाठी ने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये सियासत कब थमेगी सर? बसों का बसें चली नहीं और लेकिन बसों की राजनीति चलती जा रही है। सर बसें चली, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे अप्रवासी श्रमिक थे उनको गंतव्य तक पहुंचाया। स्थिति एकदम धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है। पहले जो पैनिक हुआ था उससे निपटने के लिए हमने अतिरिक्त बसें लगाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में बड़ी राजनीति की। केवल अखबार में सुर्खियां बनने के लिए उन्होंने बयान जारी किए, सूची सौंपी, सूची में भी फ्रॉड और घपला था। लेकिन इधर जो आज मामला जिस संबंध में मुझे लगता आज आप आए होंगे, और राजस्थान सरकार ने 36 लाख का बिल जो सौंपा है वो दुखद है। राजस्थान में हमारे बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, उनको लाने के लिए हमारी बसेज गई थी तो कुछ बसेज कम पड़ गई थी। उसके डीजल के लिए 16 लाख रुपये हमने उसी दिन दिए थे जब कोटा बच्चे हम लेने गए थे, लेकिन आज हमें बिल प्राप्त हुआ, उसका भुगतान भी हमने कर दिया है पूरा का पूरा RTGS के माध्यम से। दुखद है बच्चों के साथ इस तरीके की घिनौनी राजनीति करना, दोहरा चरित्र अपनाना। एक तरफ बसें उपलब्ध कराएंगे, सेवा करेंगे, दूसरी तरफ बिल देना, ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। मैं राजस्थान की जनता से कहूंगा कि आने वाले दिनों में इसका जरूर हिसाब कांग्रेस से मांगे। राजस्थान सरकार और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि हम तो बसों को लेकर बॉर्डर खड़े थे, उन्होंने बसें लिया नहीं और दूसरी तरफ कोटा का बिल भी मांग लिया। ये विषय 3 दिन पुराना है, इसके संबंध में हम सब कुछ कह चुके हैं। कांग्रेस की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है और राजस्थान से जो बिल आया उसका भी भुगतान हमने कर दिया है। जो कोटा का जो बिल आया है वो कल उन्होंने भेजा, आज उसका भुगतान हो गया। हाँ, लेकिन अभी भी जो उत्तर राजस्थान सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने लगातार उनके साथ धोखा किया और उत्तर राजस्थान को तवज्जो नहीं कर रहे हैं वो जाने, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें जनता को फैसला करना है और जनता अच्छी तरह जानती है किसने दो मुही राजनीति की, किसने धोखा दिया।